नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें, जहां 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर हर जगह खलबली मची हुई है, वहीं एक तरफ मध्य प्रदेश की राजनीति भी काफी ज्यादा गर्माती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह जो है, उन्होंने सम्मेलन किया और जिसमें स्कूल के कई छात्र और कॉलेज के कई जो स्टूडेंट्स है वो मौजूद थे। और इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर फ्री लैपटॉप और फ्री स्कूटी देने का वादा किया, उससे वहां के छात्राओं में काफी ज्यादा जो उत्साह है वो देखने को मिला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जो जो अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आए बच्चे हैं, उनको एक एक जो स्कूटी है वो दी जाएगी। और साथ ही जिन बच्चों ने अच्छे मेरिट से कॉलेज और स्कूल में नंबर लाए हैं और जो अच्छे मेरिट से पास हुए हैं, उनको लैपटॉप दिया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि सिर्फ छात्राओं के लिए नहीं बल्कि छात्रों के लिए भी है, यानी कि सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, ये मेल स्टूडेंट्स के लिए भी, यानी कि गर्ल्स को भी मिलेगा और बॉयज को भी मिलेगा। उन्होंने साथ ही साथ और भी कई जो बड़े उपहार हैं, यानी कि बड़ी जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च की। साथ ही साथ उनका अब ये मानना है कि अब युवाओं के अंदर अपनी राजनीति को, यानी कि अपने इस वोट बैंक को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में यही युवा है, यही कॉलेज स्टूडेंट है, यही स्कूल के स्टूडेंट होंगे जो आगे चलकर नए वोटर्स बनेंगे। और जब ये नए वोटर्स बनेंगे तो इनको ही साधना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में ये नए वोटर इनके लिए बहुत काम आ सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली को लेकर वहां पर शिवराज जो है वो काम कर रहे हैं, उसको बेहद ही उमदा काम के तौर पर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि वो अपनी मामा की छवि को लेकर मध्य प्रदेश में बहुत मशहूर है, और इसी को लेकर उन्होंने एक तंज भी कसा, यानी कि एक छोटा सा मजाक भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम्हारा मामा सिर्फ भांजी को ही नहीं, भांजो को भी उनका हक देगा, यानी कि भांजो को भी गिफ्ट जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। और क्या क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते। नहीं, तुम ढंग से पढ़ते जाओ, बाकी सब व्यवस्थाएं भी करूंगा। अभी 20 तारीख को जिन बच्चों ने 12वीं में 75% नंबर लाए हैं, उनको मामा क्या दिलवाएगा? जोर से बताओ, उन बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया खाते में डलवाऊंगा। और 12वीं में अपने अपने स्कूल में जो बच्चे गांव के स्कूल में हो या शहर के स्कूल में हो, जो बच्चे पहले स्थान पर आए हैं, उनको मामा क्या दिलवाने वाला है? अरे जोर से बताओ, उनको मामा स्कूटी दिलवाने वाला है, ताकि स्कूटी पर बैठ के बेटियों को भी और बेटों को भी, भांजे कहते मामा हमें भी तो दो। अरे तुम्हें भी दूंगा, काहे को चिंता करते हो, तुम्हारा भी तो मामा हूं। और एक बात और सुनो, योजना एक कही है, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, अलग अलग स्कॉलरशिप। लेकिन आज मेरे बच्चों, मैं तुमसे यही अपील करता हूं, अगर 12वीं में 70% तक तुम नंबर लेके आए और तुम्हारा एडमिशन, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, सब ध्यान से सुन रहे हो, देखो बच्चे बच्चे हैं, इनमें कोई जाति समाज का भेद नहीं, सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, एससी हो, एसटी हो, मेरे तो सब भांजे भांजी हैं रे। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से, नीट के माध्यम से, जेई मेंस के माध्यम से, क्लैट के माध्यम से, अगर मेडिकल कॉलेज में होगा, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, कोयला कॉलेज में होगा, देश में होगा, चाहे विदेश में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एक साल की फीस होती है 8-10 लाख रुपया। बताओ, किसानों के बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? गरीब के बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? मध्यम वर्गीय बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? तो फिर तुम्हारी फीस कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? मामा फोन भरवाएगा। चिंता मत करो मेरे बेटा बेटियों, तुम तो पढ़ते रहो।